दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रिजल्ट में आने वाले एनसी कि अगर आपका रिजल्ट में एनसी आता है तो एनसी आने पर हम क्या कर सकते हैं, इस एनसी का मतलब क्या बनता है। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त राज शर्मा, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सिंपली क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको एनओ से जुड़े आपको हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि आप रिजल्ट अपना चेक करते हैं रिजल्ट में क्या आता है, वहाँ पर एनसी आता है, इस एनसी का मतलब क्या है और एनसी आने पर हम क्या कर सकते हैं। तो एनसी आने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका जो है नॉन कंप्यूटेबल एज द रिक्वायर्ड डाटा फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन इज अनअवेलेबल, मतलब क्या बनता है कि यहाँ पर जो है कि आपका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके प्रैक्टिकल का, आपके असाइनमेंट का, आपके एग्जाम देने का या जो भी ऐसा कुछ बनता है, तो एनएस वालों के पास आपका ऐसा कोई बैक रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस सब्जेक्ट के आगे, उस चीज़ के आगे क्या आ जाता है, एनसी आ जाता है। और ऐसे में एनएस वाले यही कहते हैं कि एनसी आने पर आपको क्या करना है, आपको अगला होने वाला जो पब्लिक एग्ज़ाम है आपको वो देना है या अपने ऑन डिमांड अपना एग्ज़ाम देना चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए एनसी आने पर आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया समझा दिया, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सिंपली अपने अगले होने वाले एग्ज़ाम को लेके तैयारी कर सकते हैं, सिंपली अपने एग्ज़ाम फीस पे करिए और आगे आपको जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना है या पब्लिक एग्ज़ाम देना है वो आपके ऊपर है कि आप कौन से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर आपको एनसीओ को लेके डाउट है, आप थोड़ा सा कुछ और जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं, तो सिंपली आप जाइए अपना रीजन सेंटर, आपको स्टडी सेंटर नहीं जाना है, आपको जाना है अपना रीजन सेंटर जाना है। रीजन सेंटर पर आपको जो है आपको बताया जाएगा कि एनसी आने पर आप क्या कर सकते हैं, आपके रिलेटेड में एनसी क्यों आया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।